चारपाई के नीचे। दादाजी दादाजी, नो वह आ गई मुसीबत। मैं तो इस चारपाई के नीचे छिप जाता हूँ, नहीं तो वह मेरा भेजा खा जाएगी। दादी जी एक बात बताओ, अगर आपके मकान पर हवाई जहाज बम बरसाने लग जाए तो आप क्या करेंगी? अभी कोई जंग थोड़ी ही हो रही है। अरे थोड़ी देर के लिए मान लो कि जंग छिड़ी है। तो मैं बम वर्षा से जान बचाने के लिए भागूंगी। ठीक, जब तुम जान बचाने के लिए भागोगी तो चिल्लाओगी भी। कैसे चिल्लाओगी? बोलो, चुप क्यों हो? कैसे चिल्लाओगी? हाय मैं मर गया। पूछ मैं आपसे रही हूँ और चिल्ला कोई चारपाई के नीचे से रहा है। ओ तुम मेरे हाथ पे जो खड़ी हो। पिंकी और नया सितारा। अरे चंपू उदास क्यों हो? उस मकान में एक बूढ़ा वैज्ञानिक गैलीलियो रहता है। वो दिन रात आसमान में नए नए सितारों की खोज करता रहता है। उसने प्रण कर रखा है कि वह जब तक नया सितारा न खोज लेगा खाना न खाएगा। वह 6 दिन से भूखा है, कहीं मर न जाए। जाओ उससे कहो कि अपना टेलीस्कोप दूसरी खिड़की पर ले जाए, सितारा जरूर मिलेगा। गैलीलियो बाबा, क्या आप अपना टेलीस्कोप उधर वाली खिड़की पर नहीं ले जा सकते? चलो उधर चलो, हमने तो पूरा आसमान छानना है। आहा, मिल गया एक बिल्कुल नया सितारा। अब मैं चैन से रोटी खा सकता हूँ। धन्यवाद पिंकी। शांति की तलाश। छुट्टियों में चैन की नींद सोएंगे, बच्चों की पढ़ाई का कोई झंझट नहीं। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तेरे बाल नोच लूंगी। अरे रे रे, लड़ाई बंद करो। लो छुट्टियों में यह भी एक मुसीबत है। फिक्र न करो, मैं बच्चों को खिलौने ला देता हूँ, वे उनसे खेलते रहेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं। कुछ देर के बाद, बच्चों लो खिलौने। ये लो अब एक दूसरा सरदर्द शुरू।